हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे चार्जर जैक बदलते वक्त हमारा माइक ख़राब क्यों हो जाता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं और कौन सी ऐसी बात होती है जो हम जैक बदलते वक्त ध्यान नहीं देते और हमारा माइक ख़राब हो जाता है और हमें बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों होता है। आपको दो ट्रिक बताऊंगा, दो ट्रिक को आप फॉलो करके जब भी आप जैक बदलोगे आपका माइक कभी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, पहली ट्रिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहली ट्रिक जो है, आपको हीट जो आप SMT की अपनी हीट रखते हो वो आपको कम से कम रखनी है, भले ही आपका जैक देर में उतरे कोई दिक्कत नहीं है उससे। और आपको ये जो माइक का एरिया है इसको कवर करके काम करना है। दोस्तों, कोई भी आप टेप लगा सकते हो, नॉर्मली कोई भी टेप लगा के आप इस पर काम कर सकते हो, आपका माइक जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं देते, वो आखिर वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब हम जैक इसका उतारते हैं और उसके प्रिंट वगैरह हम क्लीन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट लगा होता है, भाई दफ़ा क्या होता है दोस्तों, वो पेस्ट इसके माइक के होल में चला जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। ये जो इसका माइक का होल है ना दोस्तों, इसमें चला जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते ज़्यादातर। जो छोटी छोटी बातें होती है ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में लेके चलोगे तो आपका जैक बदलते वक्त कभी भी माइक ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।